वही नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने कुरुद के पूर्व ट्रेचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने एक बड़े भूभाग को बेहतर उपयोग के लिए किस प्रकार की प्लानिंग की जा सकती है इसकी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जोन कमिश्नर को दिए। गौरतलब है कि 15 से 16 एकड़ में कुरुद में ट्रेंचिंग ग्राउंड निर्मित हो गया था। तब की स्थिति में SLRM सेंटर भिलाई में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। कुरुद के ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे का ढेर हुआ करता था। कचरे के पहाड़ का ढेर को समाप्त करने के लिए बायो रेमेडिएशन का सहारा लिया गया। धीरे धीरे कर बायो रेमेडिएशन से कचरे का पूर्ण रूप से सफाया कर खाद के रूप में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद ये स्थल जो कभी जाने लायक नहीं हुआ करता था वह स्थल अब स्वच्छ स्थल बन चुका है। इस स्थल पर वर्तमान में आवारा पशुओं को रखने के लिए प्राइमरी प्लानिंग पर चर्चा की गई है। आयुक्त ने कहा है कि एक बड़े भूखंड का उपयोग निगम के विभिन्न योजनाओं के लिए किया जा सकता है। जल्द ही इसकी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।